Hey guys, welcome back to my channel. You are watching Star with Sanchi and I am Sanchita. I hope you all are doing good. So today I am going to share with you all my morning skincare routine, which is very simple and easy and affordable skincare product. So chaliye video start karte hain. सबसे पहले मैं उठने के बाद जो काम करती हूँ वो है एक ग्लास भर के गर्म पानी पी लेती हूँ। गर्म पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। गर्म पानी पीना स्किन और बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हेयर के ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सो, मेरा फर्स्ट स्टेप स्किन केयर की यही है। नेक्स्ट मैं ब्रश करके शावर ले लेती हूँ। सेकेंड स्टेप है फेस को क्लीन करना। तो फेस को क्लीन करने के लिए आई लाइक टू यूज फेस वॉश। सो फर्स्ट ऑप्शन इज बायोटिक्स का बायो व्हाइट एडवांस फेयरनेस फेस वॉश, ये वाला। और सेकेंड ऑप्शन है एक हर्बल फेस वॉश जो मेरे स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करता है, तो वो है जॉर्डन हर्बल्स का नीम फेस वॉश। ये वाला फेस वॉश मेरे स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करता है एंड आई लव दिस फेस वॉश। और ये दोनों फेस वॉश ही मेरे स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करते हैं, तभी मैं यूज़ करती हूँ। आप लोगों को भी आपके स्किन टाइप्स के हिसाब से ही फेस वॉश चूज़ करना है। सो फर्स्ट मैं लुक्विडम वाटर में टॉवल को डिप करके भिगो लेती हूँ और फेस को थोड़ा स्टीम दे देती हूँ। सो मैं यहाँ पे यूज़ किया है बायोटिक बायो व्हाइट एडवांस्ड फेयरनेस फेस वॉश। ये वाला फेस वॉश एफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा वाला फेस वॉश है। ये वाला फेस वॉश स्किन को ड्राई नहीं करता है, सल्फेट पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है। ये 100% प्योर एंड नेचुरल है। और जब भी आप फेस को वॉश करो एक मिनट तक फेस को वॉश कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है एक्सफोलिएशन। सो फेस स्क्रब के लिए मैं यहाँ पे लिया है गुड वाइब्स का ग्रीन टी प्योरीफाइंग फेस स्क्रब। ये वाला फेस स्क्रब स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। तो आप सब जानते ही हैं स्क्रब को हमें वीक में 2 से 3 टाइम्स तक यूज़ करना है, पर डेली अप्लाई नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये वाला स्क्रब बहुत ही माइल्ड है, स्किन में हर्ष नहीं है और ये स्क्रब हर एक सीजन के लिए परफेक्ट है। और एक्ने स्किन वालों के लिए ये वाला स्क्रब बहुत ही अच्छा है। मुझे इतना ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम्स नहीं है, पर ये वाला स्क्रब मेरे स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करता है। नेक्स्ट स्टेप है फेस मास्क। फेस मास्क के लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया है गुड वाइब्स ग्रीन टी रिजुविनेटिंग फेस मास्क। ये वाला फेस मास्क स्किन को ड्राई नहीं करता है और अफोर्डेबल प्राइस में ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। और ये वाला फेस मास्क रेडनेस क्लीन करने में भी मदद करता है। ये वाला फेस मास्क एक्ने स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पिंपल रिड्यूस करने में भी मदद करता है। तो मैं यहाँ पे एक ब्रश की मदद से अच्छे से फेस मास्क को स्किन में अप्लाई कर ले रही हूँ और उसके बाद 15 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। सो 15 मिनट के बाद ये वाला फेस मास्क अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे एक फीगे टॉवल की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अगर आप चाहे तो ठंडे पानी से रब करके फेस को वॉश भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है टोनर। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का ग्लो क्यूकम्बर टोनर यूज़ किया है। टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर स्किन। टोनर स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। सो हम यहाँ पे टोनर को स्प्रे कर लिया है। टोनर पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे फेस सीरम। फेस सीरम के लिए मैं यहाँ पे लिया है गुड वाइब्स का रोज हीट फेस सीरम। ये वाला सीरम अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा वाला सीरम है। ये बहुत ही लाइट वेट वाला सीरम है, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन ग्रीसी है, स्किन में चिपचिप भी नहीं करता है। सो मैं यहाँ पे सीरम का 3 ड्रॉप्स लेकर स्किन में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप है फेस मॉइस्चराइजर। फेस मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया है मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर। और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और ये भी हमारे स्किन को ग्लोइंग रखता है और हेल्दी रखता है। अब मैं ये बायोटिक्स का लिप बाम यूज़ करूँगी और ये लिप बाम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है और इसका काम भी बहुत ही अच्छा है।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा स्किन केयर रूटीन। अगर आप लोग और हेयर केयर रूटीन देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये स्किन केयर रूटीन वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक और शेयर दिस वीडियो। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हो वो प्लीज इस वाले रेड सब्सक्राइब बटन को ग्रे में कन्वर्ट कर दो और उसके बगल में जो छोटी सी बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले। आप लोग चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज और एवी पेज पे। सो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय।